फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव माई ओन, हाई गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियो एंड, और मैं बात कर रही थी अपने बारे में, अपने बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही थी। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो आई एक्चुअली अर्न माई ओन मनी फाइनेंशियली, और हेल्थ और हर चीज़ के रिलेटेड बात करते हैं क्योंकि आई हैव टाइम टू एक्चुअली टेल अबाउट दैट। फाइनेंशियली जैसा कि मैंने बताया कि आई एम एन ऑथर तो मुझे रॉयल्टीज़ मिलती हैं, आई डू पॉडकास्ट तो उधर से भी कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप कभी कभार मिल जाती है, और आई ओन माई बिजनेस विच इज़ अ हेयर ऑयल बिजनेस, उधर से भी मुझे मिल जाती हैं बिजनेस है, तो या आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ फाइनेंशियली। ओके बाकी करियर वाली साइड पर आया जाए तो मैंने प्री मेडिकल रखा है, मुझे अपना फ्यूचर उधर तकरीबन तो मुझे कहा तो यही गया कि डॉक्टर बनना है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे नहीं क्लियरली पता कि मैंने बनना है डॉक्टर या नहीं, लेकिन मैं इस वक्त जो करियर परस्यू कर रही हूँ वो प्री मेडिकल का मैंने रख दिया, और मेरा सेकंड ईयर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आता है मेरे पास हेल्थ, और मेरी जो 2020 में, क्योंकि मैंने उसमें 2020 में 8 बुक्स लिखी थी, सही 8 बुक्स बैठ के, 3 कलरिंग बुक्स 1 जर्नल ऐसे ही था, और एक एक पे मैंने अपनी फुल लाइफ लगाई, सही है। और बाकी मैंने पेन नेम्स के अंडर बहुत से पब्लिश की बुक्स। सो 2020 में मेरी हेल्थ और वेल्थ हर चीज़ गिर गई थी क्योंकि मैं स्कूल में भी नो आई डिडेंट एक्चुअली फिट इन, और मैं घर में वेबसाइट और आर्टिकल्स लिख रही थी, उस पर काफ़ी टाइम लगता था, और उसकी वजह से मेरे स्कूल में वैसी किसी से नहीं बनती थी, और मेरे घर में भी पेरेंट्स इतनी नहीं बनती थी क्योंकि मैं कहती थी स्कूल नहीं जाना कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि कॉलेज वाज़ अ प्योर प्रिजन उस वक्त, टॉर्चर हाउस, गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट टीचर्स थी, सोच सकते हो क्या होता होगा। लेकिन तो ये उसमें मेरी आई थिंक सो हेल्थ और वेल्थ, वेल्थ नहीं हेल्थ काफ़ी गिरी थी। तो अभी 2021 है, आई एम इन अ बेटर स्टेट, आई एम इन अ डिफरेंट कॉलेज, तो या दैट्स ओके। और फिर आते हैं, या दैट्स प्रीटी मच इट, दैट सम्स अप माय लाइफ। अगर मैं डिफरेंट चीज़ों के एस्पेक्ट्स को देखूँ तो मुझे अब तक ये पता चला है कि कॉन्टीन्यूसली मेरी एक स्टोरी नहीं जा रही, सर्टन लोगों की एक स्टोरी होती है, लेकिन डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे गए थे, मेरी डिफरेंट जगहों पे हम लोग ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो जो मेरी 1 to 6 की स्टोरी है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, 6 to 12 की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट, 8 से लेके 13, 14 तक मेरी स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट, 14 से लेके 16 तक डिफरेंट, 16 से ऑनवर्ड डिफरेंट, यानी इट्स सो अमेजिंग टू सी कि कितने एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी आप देख सकते हो। सही है, मैं डिफरेंट कॉलेजेस में गई, डिफरेंट लोग उनसे मिले, डिफरेंट प्रोविंसेस थे, तो उन सबको अगर मैंने सही तरीके से अगर कुछ भी सीखा तो ये सीखा, हर जगह पे कोई ना कोई अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं, और देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी में डिफरेंट सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं। मैंने सीखा कि डिफरेंट सिचुएशंस पे देख के किस तरह पर आपको ग्रो किया जा सकता है। इन द एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ स्टैंड आउट हुई है वो ये नहीं है कि एक पर्सन के साथ या किसी चीज़ के प्लेस के साथ मैं स्पेसिफिकली अटैच हुई क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र होता था, बल्कि ये कि इन द एंड आप चाहे किसी भी सिचुएशन से गुजरे, अगर आपका कोई सर्टन मिशन या गोल है दैट एक्चुअली एक्सेल्स, तो आपके पास वो होना चाहिए। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट, आई टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ एंड दैट, क्योंकि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन अपने चैनल के पेज पे लगाई हुई है, और भी बहुत चीज़ें। सो या टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।